आपकी होस्ट स्मिता, वेलकम टू कालीमिर्ची। दोस्तों सबसे पहले आप सबको और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल का आज का हमारा पहला रेसिपी वीडियो है, तो क्यों ना इस साल की शुरुआत एक डेजर्ट रेसिपी से की जाए। आज हम बनाने वाले हैं एक क्लासिक फ्रेंच डेजर्ट रेसिपी, कैरमल कस्टर्ड। कैरमल कस्टर्ड बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप फुल फैट दूध, ये वजन में 375 ml है, 3 अंडे। कैरमल कस्टर्ड में हम शक्कर 2 बार इस्तेमाल करेंगे, एक कैरमल बनाते वक्त और कस्टर्ड बनाते वक्त। कैरमल बनाने के लिए हमें 200 ग्राम शक्कर की जरूरत होगी, ये 3/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून शक्कर है। कस्टर्ड बनाने के लिए हम 125 ग्राम शक्कर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आधा कप। आधा टीस्पून वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून पानी। सबसे पहले हम कस्टर्ड के लिए बैटर तैयार करेंगे। एक बोल लेंगे, बोल में हम अंडे फोड़ के डालेंगे। अंडों में हम मिलाएंगे शक्कर, ये 125 ग्राम शक्कर है, शक्कर को भी हमने बोल में डाल दिया है। अब डालेंगे आधा टीस्पून वनीला एसेंस। इन सबको हम एक साथ विस्क करेंगे। हमें अंडों को तब तक फेंटना है जब तक शक्कर पूरी तरह से घुल ना जाए। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमने अंडों को फेंट लिया है। ये देखिए, इनका रंग भी हल्का पीला हो गया है और शक्कर भी अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। दूध को हमने बॉईल करके हल्का ठंडा कर लिया है, ये बहुत ज्यादा गर्म दूध नहीं है। इस दूध को हम इस मिक्सचर में मिलाते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से विस्क करके हमें मिलाना है। हमने कस्टर्ड के मिक्सचर को अच्छी तरह से विस्क कर लिया है, कुछ इस तरह से ये फोमी दिखना चाहिए। अब हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरे बोल में इसे छान देंगे। बोल पर एक छन्नी रखकर हम इसे छान देंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कस्टर्ड के मिक्सचर को छानने से इसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। कस्टर्ड का टेक्सचर हमेशा डेंस होता है, ना कि एयरी। अगर ये एयर बबल्स मिक्सचर में रह जाए तो आपके कस्टर्ड में पोर्स रह जाएंगे, इसलिए ये स्टेप मिस ना करें। चलिए अब हम कैरमल बना लेते हैं। कैरमल बनाने से पहले मैं आपको मोल्ड्स के बारे में बताना चाहूंगी जिनमें हम कैरमल कस्टर्ड सेट करने वाले हैं। यहाँ मैंने पोर्सलिन के मोल्ड्स इस्तेमाल किए हैं। ये अवन और फ्रीजर सेफ हैं। ये कुछ इस आकार के दिखते हैं। अगर आपके पास ये मोल्ड्स अवेलेबल नहीं है तो हम जिसमें कपकेक्स बनाते हैं ना, वो सिलिकॉन मोल्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्सिलिन मोल्ड्स को और सिलिकॉन मोल्ड्स को अंदर से ग्रीस करने की जरूरत नहीं होती, पर अगर आप एल्यूमिनियम के ओवन सेफ मोल्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको अंदर से बटर लगाकर ग्रीस जरूर कीजिएगा। चलिए अब गैस की तरफ हम कैरमल बना लेते हैं। कैरमल बनाने के लिए हमने एक पैन आंच पर चढ़ा लिया है। उसमें हम डालेंगे 200 ग्राम शक्कर और 1 टेबलस्पून पानी। हम आंच मध्यम से तेज रखेंगे और शक्कर को पिघलाएंगे। स्पैचुला से कंटिन्यूसली चलाते हुए हम हीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि शक्कर इवनली पिघल जाए। दोस्तों कैरमल बनाते वक्त शक्कर से आपका ध्यान हटने ना दे। सबसे पहले शक्कर पिघलती है, बाद में शक्कर का मॉइस्चर उड़कर इसके पहले सॉफ्ट और बाद में हार्ड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अगर कैरमल बनाते वक्त आपकी शक्कर क्रिस्टल्स में परिवर्तित हो जाए तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आंच मध्यम से तेज रखकर आप इसे पिघलाते रहिए, शक्कर का कैरमल बन जाता है। दोस्तों शक्कर का कैरमल लगभग तैयार है। ये देखिए, एकदम गोल्डन ब्राउन रंग आया है इसमें। अब हमने आंच धीमी कर ली है, ये कुछ इस तरह के कंसिस्टेंसी का कैरमल बना है। अब हम आंच बंद करेंगे और इस कैरमल को मोल्ड्स में डाल देंगे। 1.5 से 2 चम्मच कैरमल हम एक एक मोल्ड में डाल देंगे।
मोल्ड में डालने के बाद इसे तुरंत हिलाकर कैरमल स्प्रेड कर देंगे। ये स्टेप थोड़ा जल्दी करनी पड़ती है दोस्तों, नहीं तो कैरमल जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ दो मोल्ड सेट करके दिखाए है। इसी तरह से हम बाकी के मोल्ड्स भी तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ 5 मोल्ड्स में कैरमल सेट कर लिया है। हमने कैरमल को लगभग 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे सेट होने दिया। चलिए अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। कस्टर्ड का मिक्सचर हम इन मोल्ड्स में डाल देंगे। ये मोल्ड्स हम 3/4 क्वांटिटी तक भरेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे। दोस्तों कैरमल ठंडा होने के बाद इसमें से कड़कड़ ऐसी आवाजें आने लगती है, कभी कभी ये ब्रेक भी हो जाता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस पर कस्टर्ड का मिक्सचर डाल सकते हैं। यहाँ हमने एल्यूमिनियम फॉइल के स्क्वायर्स काट कर रखे हैं। इससे हम हर एक मोल्ड कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। हम कैरमल कस्टर्ड को दो तरह से बेक करेंगे। इन दो कस्टर्ड मोल्ड्स को हम स्टीमर में रखेंगे और इन 3 मोल्ड्स को हम अवन में 160 डिग्री पर रखकर कस्टर्ड को बेक करेंगे। हमने अवन को 160 डिग्री पर ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है। अवन को हमने कन्वेक्शन मोड में 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है। कस्टर्ड्स को बेक करने के लिए हमने लो रैक पे एक बेकिंग ट्रे रखा है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं। कस्टर्ड को बेक करने के लिए हम हॉट वाटर बाथ बनाएंगे, यानी कि ट्रे में हम गर्म पानी डाल देंगे। ट्रे को 3/4 क्वांटिटी तक भरने तक हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ताकि जब भी हम इसमें कस्टर्ड्स के मोल्ड्स रखेंगे तो मोल्ड्स की आधी हाइट तक पानी पहुंच जाए। कस्टर्ड मोल्ड्स को हम इस हॉट वाटर बाथ में रख देंगे। दोस्तों अवन में हाथ डालने से पहले ग्लव्स पहनना ना भूलें। मोल्ड्स को हमने अवन में अरेंज कर लिया है। अब हम टाइमर सेट करेंगे 35 मिनट का। 35 मिनट तक हम कस्टर्ड्स को बेक होने देंगे, स्टार्ट कर देंगे। दूसरे तरीके में हम कस्टर्ड्स को स्टीमर में स्टीम करेंगे। स्टीमर में हमने पानी उबाल लिया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए हम आंच धीमी करेंगे और स्टीमर में ये स्टीमर की थाली रख देंगे। इस थाली में हम 2 मोल्ड्स एडजस्ट करेंगे और इसे ढककर धीमी आंच पर लगभग 25 मिनट तक स्टीम होने देंगे। दोस्तों ये स्टेप के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ कुकर में स्टीम करते वक्त कुकर की सीटी निकालना ना भूलें। 25 मिनट तक हम इसे बेक होने देंगे। स्टीमर में 25 मिनट तक स्टीम होने के बाद और अवन में 160 डिग्री पर 35 मिनट तक बेक होने के बाद हमने कस्टर्ड्स को बाहर निकाल लिया है। अब हम इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। मैं एक कस्टर्ड आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बेक हो गए हैं। अब हम इन्हें रूम टेम्परेचर में पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और इसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में कस्टर्ड्स को हम कम से कम 4 से 6 घंटे तक सेट होने देंगे और इसके बाद अनमोल्ड कर देंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे 6 घंटे के बाद। हमने सारे कस्टर्ड मोल्ड्स को फ्रिज से बाहर निकाला है। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। अब हम अपनी हाथों की सहायता से इन्हें अंदर की तरफ पुल करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से साइड्स छोड़ रहे हैं। इसी तरह अंदर पुल करके हम इनके साइड्स लूज कर लेंगे। यहाँ हमने एक सर्विंग प्लेट ली है। इस प्लेट को हम इस रैमेकिन मोल्ड पर उल्टा रखेंगे और इस तरह मोल्ड को रिवर्स करके हम हल्का टैप कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कैरमल कस्टर्ड तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों
नए साल की मीठी शुरुआत के लिए ये कैरमल कस्टर्ड तैयार है। देखा ना आपने कितना चटपट और आसानी से बन जाता है ये, और खाने में होता है बड़ा ही मजेदार। तो आप इसे घर पर जरूर बनाइए और हमें आपका फीडबैक बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। हमें आशा है आपको आज का हमारा रेसिपी वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस साल में भी हम आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज शेयर करेंगे। तो उन रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा? सही पहचाना आपने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना भूलिएगा मत। हमारे रेसिपीज के नोटिफिकेशंस और चैनल के रेगुलर अपडेट्स इसके जरिए आपको मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।